नमस्कार, भव्या सरी न्यूज से मैं नूपुर। एमटीवी पे चलने वाला शो रोडीज, जिससे बखूबी आप परिचित होंगे, इसमें नेहा धूपिया जो गैंग लीडर के भूमिका अदा कर रही हैं, काफी विवादों से घिरी हुई हैं। हर दिन इनका कुछ ना कुछ प्रक्रिया ऐसा रहता है और इनके पति भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। अब आइए मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देती हूँ रोडीज के विषय में। ये ठीक उसी तरह का शो है जिस तरह खतरों के खिलाड़ी है, और इसमें इतनी गंदगी अंदर नेहा धूपिया करती हैं कि गाली तो जैसे पानी के दाम में बिल्कुल फेंकती हैं कि हर बातों में गाली ही गाली। अभी फिर चुनावी प्रक्रिया का ऑडिशन, जिसको आपको कहते हैं ऑडिशन, चालू है, और उसके अंतर्गत एक उम्मीदवार से ये काफ़ी भिड़ंत हो गई है। अभिड़ंत हो गई है एक थप्पड़ पे, फिर हम वही चीज करेंगे कि एक थप्पड़ इतना बड़ा विवाद का जड़ हो गया। वो उम्मीदवार आए थे तो यूं ही उनके इंटरव्यू में नेहा धूपिया ने पूछा था उनसे गर्लफ्रेंड के विषय में, तो उन्होंने कहा था कि गर्लफ्रेंड तो है मेरी, लेकिन गर्लफ्रेंड को मैंने एक तमाचा जड़ दिया, यानी एक थप्पड़ जड़ दिया, और उसके बाद दोनों से रिश्ते खत्म हैं। नेहा धूपिया ने कहा कि किस बातों से आपने उनको एक थप्पड़ जड़ दिया। उस पर उनका ये कहना था कि वो मुझको भी मिसयूज कर रही थी, और मेरे अतिरिक्त उनके 5 दीवाने और थे, यानी कि 5 लड़कों को और वो घुमा रही थी, तो इस दरमियान मैंने उनको थप्पड़ लगा दिया और उनसे फिर हम बैक हो गए। तो नेहा धूपिया कहना था जो उसकी मर्जी वो करे, आप कौन होते हो, यानी ये तो मैं आपसे संबोधित कर रही हूँ, वो तो गाली गलौज कर उठी और तुमसे ऊपर तो वो उठती नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम होते कौन हो उसको थप्पड़ मारने वाले, और इस पे इतना विवाद बढ़ गया और ये बात हम तक पहुंच गया, आप तक पहुंच गए। और उनके नेहा धूपिया जी को अब आपको याद होगा फिल्म जूली, जूली में भी वो भूमिका अदा कर चुकी हैं। अब मैं आपको ध्यान बता रही हूँ, उतनी फिल्म वो की नहीं है जितना वो लाइट में आ गई हैं और सुर्खियों में। कहते हैं ना कि दो चीज़ से सुर्खियाँ लोग बटोरते हैं, एक अच्छाई की तरफ और एक बुराई की तरफ, यानी कि दो जगह ही होता है, बीच के लोग तो बीच में रह जाते हैं, लेकिन एक बुरा बुरा कहिए तो नेचुरली है कि बुरा भी दिमाग में बैठता है कि ये इंसान ये है। एक अच्छा अच्छी बातें कहेंगे तो वो भी आपके पास दिमाग में रहता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। तो दो चीज़ों में, तो विवादों में घिरने के बाद भी दिमागों में आ जाता है नाम और उनका चेहरा, तो वो है नेहा धूपिया की। उतनी चर्चा के विषय इसलिए मैं बता रही हूँ और लोग जान चुके हैं, चूंकि विवादों में ये घिरी रहती हैं। अब क्या आया, 5 लड़कों की बातें आ गई या 5 लड़कियों की बात जहाँ तक आए, तो उनके इसमें कदम बढ़ा दिए हैं। और चूंकि इतना ट्रोल हो रही थी, उनके फैंस इतना उनको ट्रोल कर रहे थे कि ये उनके पति जो है अंगद बेदी, ये बर्दाश्त नहीं कर सके, और उन्होंने क्या किया है, इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट को उन्होंने पोस्ट किया है 5 गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें, कही कि लो ये 5 गर्लफ्रेंड हमारी है, लो मैं ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहा हूं। अब क्या उखाड़ लोगे, उखाड़ो, क्या कर सकते हो, लो आप उखाड़ने की जय, आप समझ सकते हैं कि उखाड़ा क्या जाता है, कितनी गंदी वल्गैरिटी की बातें उन्होंने पत्नी के एवज में दिया कि मेरी पत्नी को ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये तस्वीर आप बखूबी देखिए, 5 तस्वीर को देखिए, और 5 तस्वीर में ये तस्वीर नेहा धूपिया का ही है, जिनके पास अलग अलग तस्वीरें अलग अलग पोज में टोटल 5 तस्वीर नेहा धूपिया के साथ अंगद बेदी ने खिंचवाई है और इसको पोस्ट कर दिया, जैसे लगता है कि जो भी दर्शक हैं उनके आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है या आंखों पे धूल जमा हुआ है, जो वो सच्चाई देख नहीं सकते और नेहा धूपिया को पहचान नहीं सकते। इसको कहते हैं ना बिन बादल बरसात, यानी कि कहते हैं ना जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। तो ये आज उनके पति अंगद बेदी बिल्कुल सत्य बता दिए हैं कि मैं गरजने वाला हूँ, बरसने वाला नहीं हूँ। अगर बरसने वाले होते तो 5 लड़कियों को लाते और 5 लड़कियों के साथ अलग अलग तस्वीरें खींचा कर तो मुंह पे थप्पड़ मारते, कहते लो 5, और तो उसके बाद नेहा धूपिया उनका जो हाल करती वो तो खैर सोचना भी ये नहीं था। ये पति पत्नी का मिला हुआ रिश्ते हैं, और पत्नी को बचाने के लिए या दोनों का अपना आपसी कुछ ऐसा रहा होगा कि आप इस तरह का फेंको मार्केट में, तस्वीर फेंको ताकि हम दोनों को भी लोग जाने, बखूबी जाने, ट्रोल हो, ये हो, किसी तरह लोग मतलब वो करें हमको। और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि ये तो जवाब ही नहीं हुआ, उस लड़के का जवाब इससे क्या हुआ। दूसरी चीज़ है कि अगर वो लड़का था तो गलत कहाँ था भाई, उसको अलग था, होता है एक दूसरे से संबंध हुआ, अगर ये भी 5 लड़की के साथ कुछ ऐसा करता तो हो सकता वो लड़की भी थप्पड़ जड़ देती। तो ये तो उन दोनों का मामला था, उसने पूछा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, तो उन्होंने जवाब दिया थी तो, लेकिन उनसे हमारा विच्छेद हो गया। क्यों विच्छेद हो गया, तो इस पर उन्होंने कह दिया कि मैंने थप्पड़ मारा, वो गुस्सा गई और हमसे वो अलग हो गई। तो भाई अगर थप्पड़ मारा तो नेचुरली है कि 5-5 लड़कों को अगर आप घुमाइएगा तो कोई भी बॉयफ्रेंड जो आपको दिल से चाहता हो, जो आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हो, तो नेचुरली बर्दाश्त तो नहीं करेगा कि आप 5-5 को घुमा रहे हो। हाँ, अगर आप उनसे इतना करीबी नहीं है तो घुमाइए ना, 50 को घुमाइए,
कौन कहता है कि आप नहीं घुमाइए, लेकिन जहाँ जिंदगी का बंधन बनना हो वहाँ तो एक पे ही आपको रहना पड़ेगा। जिस तरह लड़का आपसे प्यार करता है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है दूसरी, वैसे ही आपको बॉयफ्रेंड में एक ही बॉयफ्रेंड को रखना पड़ेगा। लेकिन वो लड़के का कोई कसूर भी नहीं है और वो लड़का भूल गए कि आजकल की ये लड़कियों से अगर उस तरह का वो करेंगे तो नेचुरली है कि उनको ये उम्मीद ना रखें कि उनके पास बॉयफ्रेंड नहीं होंगे। ये तो उस लड़के को सोचना है। थप्पड़ मारने से अच्छा है उनको अपने हाथ को अपने पास ही रखना चाहिए। क्या मतलब जब रिश्ते तोड़ने तो टूट जाए। तो वही मैं आपको बता रही थी, ये कौन सा बात हुआ कि उसमें कुछ जो उनके चहेते हैं उन्होंने तो इतना तक लिखा धूपिया को कि पब्लिक ऐसी चीज़ है जिसको आप इस तरह का उल्टा करके जवाब देंगे तो वो आपको कहाँ फेंक देगी। पब्लिक पब्लिक है पब्लिक, और उस जगह फेंक देगी जहाँ से आना आपको मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको एक स्टेज मिला है, आपको चांस मिला है और आपको पर्दे पर लोग देख रहे हैं तो आपको पसंद कर रहे हैं। अब कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे लोग पसंद करना बंद कर दे, क्योंकि पब्लिक की तो एक बात है जब वो आँख बंद कर लेगी तो लाख आप सामने से कैसे गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं, लोग देखेगा ही नहीं देखेगा। लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो लोग उम्मीद करते हैं ना कि आप अच्छी बातें बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए, ताकि दर्शक इंतजार करते हैं कब आएगी नेहा धूपिया, कब कुछ बोलेगी, क्या गाली सुनने के लिए। अरे गाली सुनने के लिए नहीं, आपसे प्यार करते इसलिए आते हैं। तो इन दिनों यही चर्चा का विषय है। देखिए रोडीज में क्या कर रही हैं और आगे आगे क्या होता है वो भी देखिए, सो आएगा वो भी देखिए, लेकिन गालियों से रंगा हुआ सो है, पता नहीं देश को क्या इससे मिलता है। धन्यवाद।